अच्छा सर, सबसे पहले जो आज स्क्वाड अनाउंस हुआ है, एज वे इस पे आप क्या कहेंगे? सही है, बैलेंस है, T20 वर्ल्ड कप के लिए हम लोग तैयार हैं या कुछ मिसिंग है इसके अंदर? देखिए, ये जितना बैलेंस है वो तो आपको पता ही है कि जिस वक्त न्यूजीलैंड की जो 30 ईयर की टीम थी जी वो जो बंदोबस्त आपको बंदोबस्त करके गई है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें हम तैयार भी हैं और हमारा मयार भी है जी कि जिस तरीके से आपने वो टीम सेलेक्ट की है। जी अच्छा चलें, बाकी तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन जो उसामा मीर को आप कैरी कर रहे हैं इतने अरसे से, जी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया आप उसको जी कैरी कर रहे हैं, हर टूर्नामेंट खिला रहे हैं, इसका मतलब ये लग रहा था कि शायद उसामा मीर आपके वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा है, जी लेकिन सडनली आपने इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज जो 2 वर्ल्ड कप से पहले हुई उसे आपने उठा कर उसको बाहर फेंक दिया है। जी जी आप दो एक ऐसे लड़के स्क्वाड में ले आए हैं जिनकी डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सही उनको आप खिला रहे हैं, हसन सही अली टीम से काफ़ी अरसे से बाहर हैं, अगर जी वो बाहर थे तो किस किस परफॉर्मेंस पे बाहर हुए हैं, और अगर आए हैं तो किस परफॉर्मेंस पे आए हैं, तो कोई मैकेनिज्म, कोई कोई क्राइटेरिया हमें भी कोई बता दें, कौन से वो पैरामीटर्स हैं, कौन से वो इंडिकेशंस हैं, कौन से वो बॉक्सेस हैं जिसको टिक करके ये टीम बनाई गई है। मैं तो खुद हैरान हूँ। एक ही है, क्या दोस्त बन जाए इसके नहीं, बाबर आजम। इसमें खाली बाबर आजम की दोस्ती का नहीं है ना जी, इसमें अच्छा तो और बड़े लोगों की दोस्ती है सामने। अब तो देखे ना, अब तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वहाब रियाज का कौन कौन दोस्त है, शाम हाँ को वहाब रियाज के साथ चाय पीने कौन जाता है, गाड़ी सही में घूमने फिरने कौन जाता है, फिर रजाक का कौन कौन दोस्त है। सही पहले तो एक दोस्त को पूरा पारा करना होता था, अब तो 4 लोग हैं, तो 4 के एक एक दोस्त हो तो 5 और 6, तो सही इधर सही। टीम में वैसे ही आ गए। अच्छा अयाज भाई, आपने उसामा मीर की बात कही, तो शादाब को कोई खतरा था उसामा मीर से, इस वजह से भी उनको दूर रखा गया है? देखिए, शादाब को आप कंपेयर नहीं कर सकते उसामा मीर, उसामा मीर एक कन्वेंशनल लेग स्पिनर है, शादाब एक ऑलराउंडर है, जी। तो मैं तो इस हक में नहीं था कि उसामा को आप, क्योंकि इस वक्त T20 क्रिकेट के अंदर अगर रेस्ट बॉलर का तो कोई अब कम काम, फिगर बॉलर का तो कोई काम नहीं है, जी। वो सीधी सीधी फ्लैट विकेटें होती हैं, आप उस पर बॉल करी जाओ और वो कुट खाई जाओ। जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं वो थोड़ा सा टफ टाइम दे सकते हैं, जिसमें उसामा फॉल सही भी है, बॉल ब्रेक हो रहा है, सही डिप भी हो रहा है, तो सही इफेक्टिव हो सकता था, नई पिचेस थी अमेरिका में जाके, वहाँ सही। पे सरप्राइज हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्या इन चारों लोगों ने क्या सोचा और किस तरीके से उसको बाहर खड़ा हसन किया। अली की सिलेक्शन 2 साल बाद, हाँ, हसन अली बहुत अच्छी सिलेक्शन है, हसन अली को मैं कहता हूँ कि सलूट। बड़े तरीके से टीम में लाया गया है, अच्छा क्योंकि हसन अली दोस्त हैं इस वक्त इन चार लोग जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में हैं, बशमूल कप्तान, सही तो सही बाकी तो मुझे नहीं लगता कि हसन अली के कोई क्राइटेरिया किसी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं सही। या किसी क्राइटेरिया पे वो आए हैं, बस अगर बाहर हुए हैं तो आपको पता है क्यों हुए हैं, और आए हैं तो कुछ कुछ भी नहीं है, कोई सही परफॉर्मेंस सही है तो बता दें। सही सही